जय हिंद दोस्तों। आज है 25 मई और 25 मई को अगर इंडियन हिस्ट्री के परस्पेक्टिव में देखा जाए ना, तो इसके सीधे तार जुड़ते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम से। आज ही के दिन 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी ने। और यही सत्याग्रह आश्रम फिर उन्होंने कुछ दिन बाद ही, नेक्स्ट मंथ ही, एक 20-25 दिन के बाद ही वहीं पर साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद इस आश्रम को साबरमती आश्रम बोलने लगे थे। पहले सत्याग्रह आश्रम बोलते थे, उसके बाद क्या बोलने लगे, साबरमती आश्रम। तो सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर एस्टेब्लिश किया? अहमदाबाद में किया था, 25 मई 1915 को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और साबरमती आश्रम ये वही आश्रम है जहाँ से महात्मा गांधी ने फिर आगे जाके 1930 में 12 मार्च 1930 को यहाँ से क्या शुरू किया था, दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च का क्या पर्पज था, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए ये मार्च शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने की एक पूरी यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा के बाद, 24 डेज, 24 दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 में वहाँ पे जाके नमक कानून को तोड़ा था। 82 में सोल्ट एक्ट आया था। नमक कानून ये कब आया था, अंग्रेज लेके आए थे इसको 1882 में। इस कानून के तहत क्या था, अगर कोई भी इंडियन ना तो सोल्ट को कलेक्ट कर सकता है और ना ही बेच सकता है, ये दो चीज़ें थी उसमें। अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। 1882 में ये किया गया था। और गुजरात तो वैसे भी कोस्टल एरिया है तो सोल्ट के लिए जाना जाता है, आप जानते ही हो। तो इसी कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को सिम्बोलिकली नमक कानून को तोड़ा था। और जब ये दांडी मार्च शुरू हुआ था उस टाइम पे वायसराय पता कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। आज के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो 24 मई को 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, जो बाद में साबरमती आश्रम बना। ओके, ये वही आश्रम था जहाँ पे महात्मा गांधी नॉन वायलेंट वे में मूवमेंट चलाने के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण केंद्र का काम करता था। ये वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, महात्मा गांधी उनको तैयार करते थे वहाँ पे उस आश्रम में, ठीक है। ये आश्रम एक हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर स्थापित किया, अहमदाबाद में किया, साबरमती आश्रम उसी को बाद में बोलने लगे क्योंकि साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया था और वहीं से दांडी मार्च शुरू किया था। और सबसे खास बात मैंने आपको बताई नहीं शायद, ये है कि साबरमती आश्रम से जब दांडी मार्च शुरू किया था ना, तो महात्मा गांधी ने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। तो महात्मा गांधी कभी भी साबरमती आश्रम फिर दांडी मार्च शुरू करने के बाद वापस नहीं आए। और उसके बाद वो आगे महाराष्ट्र में सेवाग्राम में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा एक इनपुट आपको दिया है मैंने, ये एज ए कैप्सूल फॉर्म समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें इनको देख लिया करो, काम आती हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको मैं लेके आता ही रहूँगा, छोटे 2-3 मिनट की जो भी वीडियो होंगी। वैसे मेन स्ट्रीम जो टॉपिक्स ला रखे हैं मैंने उन पर पूरा ध्यान रखो आप, जो एक कंप्लीट इवेंट की सीरीज चला रखी है उसको डेडिकेटली फॉलो करो, बड़ा काम आने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें अपना, बाय बाय एवरीवन।